नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है और इसके साथ ही आपको यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस आपको डॉक्टर फयाज हुसैन पढ़ा रहे हैं। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी क्रम में मैंने आपको जो पहली यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट, वो मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ और यहाँ पर हमने आपको सारे थिंकर्स कंप्लीट करा दिए हैं और इन थिंकर्स की जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ को आप हमारे यानी द लिशियम प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एग्ज़ाम के पहले इस पीडीएफ का प्रिंट ले लेना है और इस प्रिंट के साथ हमारे वीडियो को एक से दो बार देखना है और फिर गारंटी इस चीज़ की है कि आपको जितने भी थिंकर्स हैं उनकी जो अवधारणाएँ हैं और उनसे आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको सरल भी लगेंगे और आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर पाएंगे। लेकिन ट्रिक और तरीका पढ़ने का ये है कि आपको जो मैंने 26 थिंकर्सों की जो 5 पीडीएफ उपलब्ध कराई हैं, उन पीडीएफ का आप प्रिंट ले लीजिए और उस पे जो मैंने वीडियो बनाए हैं उस पीडीएफ के साथ उन वीडियो को सुनिए और जो नया फैक्ट लगे, जो समझने लायक लगे, आप उसी पीडीएफ पर उनको नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद आपको थिंकर्स वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट के बाद मैंने तीसरा यूनिट स्टार्ट किया था और तीसरे यूनिट में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़ाई, नेटवर्क क्या होता है, आइडेंटिटी के बारे में बताया, डायस्पोरा के बारे में बताया और वैल्यूज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ ये सारे वीडियो, नॉर्म्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, रूल्स के बारे में बता चुका हूँ, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता चुका हूँ, पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पर जब मैंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया तो इसी ब्यूरोक्रेसी को जब हम देखते हैं तो हमारे जो यूनिट 5 है, 5 में भी एक जगह ब्यूरोक्रेसी आया है। तो मैंने यहाँ का भी ब्यूरोक्रेसी और वहाँ का भी ब्यूरोक्रेसी दोनों एक ही जगह पढ़ा दिए हैं, तो आपको इतना याद रखना है क्योंकि मैं इस टर्म को बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। पावर एंड अथॉरिटी तो मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, पावर एंड अथॉरिटी, इसको मैंने दो बार पढ़ाया है, एक बार अलग पढ़ाया है और एक बार ब्यूरोक्रेसी के साथ इसको पढ़ाया। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम पर्सनहुड, हैबिटस और एजेंसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनहुड क्या होता है और हैबिटस क्या होता है, इसके साथ एजेंसी क्या होती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हमें इनको थोड़ा सा बृहद रूप में देखने का प्रयास करना है ताकि इनसे बनने वाले क्वेश्चन हम गलत ना कर पाए। तो हमें क्या देखना है आज, पर्सनहुड क्या है। पर्सनहुड को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। पर्सनहुड को समझने के पहले आप एक शब्द देखिए, एक होता है ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में यदि सामाजिक पक्ष को जोड़ दिया जाए, यदि सोशल जो सामाजिक जो पक्ष है उसको मानव के साथ जोड़ दिया जाए तो वही मानव व्यक्तिपन के रूप में या पर्सनहुड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो ह्यूमन टर्म है ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसमें कोई भी सामाजिक वैल्यू नहीं जुड़ी होती है। मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ टीचर्स के वीडियो थे, उसमें पर्सनहुड को नेबरहुड के साथ जोड़कर पढ़ाया गया है, जो पूर्ण रूप से एक गलत कॉन्सेप्ट है। पर्सनहुड का नेबरहुड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिपन का जो तात्पर्य है एक ऐसे व्यक्ति से है जो समाज को क्या कर रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में जान रहा है, समाज के मूल प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि को आत्मसात कर रहा है, उसे व्यक्तिपन कहते हैं। हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र में व्यक्तिपन को कैसे, समाजशास्त्र में व्यक्तिपन का जो अध्ययन है इसको सर्वप्रथम हार्वर्ड स्पेंसर ने किया था। तो आपको यहाँ से ये फैक्ट याद रखना है, कभी आ जाए, कि जो केस स्टडी मेथड है और जो व्यक्तिपन का अध्ययन है वो सर्वप्रथम किसने किया, तो हार्वर्ड स्पेंसर ने। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्यक्तिपन क्या है। व्यक्तिपन किसी जीव को व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त होने की स्थिति है। यानी कोई एक जानवर है, मान के चलो भैंस है, गाय है, कुत्ता है, तो उसको हम, वो एक जीव है। अगर वो जीव है तो हम उसको केवल जीव मानते हैं,
लेकिन इसी जीव में यदि उसको व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त हो जाए, उसके कुछ अधिकार और उसके कुछ कर्तव्य, उसकी कुछ पहचान अगर उसके साथ जोड़ दें, तो यही जीव के साथ क्या हो जाता है, उसमें व्यक्तिपन जुड़ जाता है। व्यक्तिपन का दर्जा प्राप्त होने का अर्थ है, अब यहां से हम अर्थ समझ रहे हैं कि पर्सन नोट का अर्थ क्या है, कि वह जीव जिसे अपना भला बुरा सोचने में सक्षम हो, जो जाने क्या सही है क्या गलत है, जो भूत भविष्य को समझ रखता हो, भूत भविष्य की और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो या मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता हो, ऐसे व्यक्ति को हम पर्सन नोट कहते हैं। और कानूनी रूप से भी ये पॉलिटिकल साइंस का भाग आ जाता है, जब हम पॉलिटिकल साइंस से पर्सन नोट को पढ़ते हैं और उसे कानूनी रूप से कई अधिकार प्राप्त होते हैं। तो समझने की बात यहाँ ये है कि पर्सन हुड एक तो जीप से अलग है। जीप से अलग इसलिए है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता है, सही गलत भला बुरा भूत भविष्य और मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति केवल एक जीव है। यदि वो व्यक्ति इन सब सारी चीज़ों को अपना लेता है, इनके आधार पर अपने आप को प्रस्तुत करता है समाज में या अपनी क्रियाएँ करता है समाज में, तो ऐसे व्यक्ति को हम व्यक्तिपन कहते हैं या हम इस अवधारणा को व्यक्तिपन या पर्सनहुड के रूप में जानते हैं। जो व्यक्तिक अध्ययन है, व्यक्तिक अध्ययन का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। यहाँ पर व्यक्तिक अध्ययन की मैंने कुछ परिभाषाएं दी हैं जो सामान्य किताबों में उपलब्ध है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी देखते हो, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी परिभाषा है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि व्यक्तिक क्या है। बीसेंस एंड बीजेंस बताते हैं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, मात्रात्मक नहीं है बल्कि कैसा है, गुणात्मक पद्धति का एक रूप है, जिसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, परिस्थिति सावधानी पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी जैसी भी परिस्थिति हो उसके आधार पर केस स्टडी मेथड की यहाँ पर बात चल रही है। इस प्रकार स्पष्ट है, यानी ऊपर की और परिभाषाएं जब आप पढ़ेंगे गिडिंस की और वॉटसन की, तो उसमें भी यही बात की है, किसी एक पक्ष पर वो बल दे रहे हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित उसके सभी पक्षों का सूक्ष्म व्यापक और गहन अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि अब व्यक्तिपन क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन व्यक्तिपन को जाने कैसे, तो समाजशास्त्र में व्यक्तिपन से अधिक व्यक्तिपन को जानने के प्रयास किया जाता है और उससे संबंधित कुछ मेथडोलॉजी होती है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य टीचर्स जो हैं या अन्य लोग हैं उन्होंने व्यक्तिपन का इंटरप्रिटेशन ही गलत किया है, जबकि व्यक्तिपन का जिस हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं पर्सनहुड को नेबरहुड्स के साथ जोड़ देते हैं, वो टोटल गलत कॉन्सेप्ट है। पर्सनहुड का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो अपने बारे में सही गलत जानता है, जो समाज के मूल्यों के आधार पर निर्णय करता है, जो भूत भविष्य को समझने में या उसका इंटरप्रिटेशन करने में सक्षम होता है, हम ऐसे जीव को व्यक्तिपन कहते हैं। और व्यक्तिपन के अध्ययन के निम्न निम्न तरीके हैं, तो वो यहाँ पर समाजशास्त्र में जिनको ज़्यादा महत्व है वो मैंने यहाँ पर लिखे। व्यक्तिपन जो अध्ययन की विधि है इन्हें दो तरीके से किया जाता है, एक तो व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, किसी एक व्यक्ति का आप अध्ययन कर सकते हो, उसकी डायरी ले सकते हो, उसके स्मरण ले सकते हो, इतिहास ले सकते हो, आत्मकथा, पड़ोस मित्र मंडली इत्यादि से उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, यानी एक व्यक्ति के रूप में आप केस स्टडी कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट है आप पढ़ लेना, और एक समुदाय के रूप में आप केस स्टडी कर सकते हो। केस स्टडी के लिए आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समुदाय भी हो सकता है, एक समाज भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, आप उसका भी व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हो। यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन की कुछ चरण हैं, स्टेप हैं, आप उनको देख लीजिए। सबसे पहले हम उसमें प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर उन घटना को क्रम के रूप में व्यवस्थित करते हैं, और उनके जो निर्धारक कारक होते हैं उनके बारे में, ये कभी UGC नेट में अगर क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने इसलिए यहाँ पर डाल दिया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समस्या क्या है, हम व्यक्तिगत अध्ययन कर क्यों रहे हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो कालक्रम की घटनाएं हैं उन्हें व्यवस्थित करते हैं, और उनको निर्धारित करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी जो प्रमुख कारक हैं और सहायक कारक हैं, उन दोनों को जानते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष देते हैं। देखो मित्रों, और देखो जो भी तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, आपको सबसे पहले व्यक्तिपन की जो परिभाषा है वो जान लेनी है, और अगर टाइम मिले तो व्यक्तिगत अध्ययन के जो मैंने यहाँ पर मेथड बताए हैं
इनको भी जान लेना है, इनको भी देख लेना है और समझ। तो हमें लगता है आपको पर्सनहुड क्या है ये समझ में आ गया होगा, और इससे अगर कोई क्वेश्चन बना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हैबिटस का जो कंसेप्ट है समाजशास्त्र में आप इसको कई बार पढ़ेंगे, सिलेबस में भी इनडायरेक्टली रूप से दो बार आया है। जब हम पियरे बोर्डू को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें हैबिटस पढ़ना ही होता है, और यहाँ पर इन्होंने पर्सनहुड के साथ भी इसको जोड़ दिया है। हैबिटस का मतलब होता है कि जीवन पद्धति में पाया जाता है, इसका हैबिटस का संबंध जीवन पद्धति से है। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट समूह के मूल और आकांक्षाएं शामिल होती हैं। इसमें कोई भी एक वर्ग है उसकी जो मूल है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा नोट है और आईएमपी है कि अभ्यस्त आदतों का मतलब यानी जो हैबिटस का है सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। बाद में इसका व्यवस्थित और समकालीन संदर्भ में अध्ययन मार्सेल मॉस ने और मैरिस मेलेंड पॉटी ने इसका अध्ययन किया था। तो आप इसको थोड़ा सा फैक्ट के रूप में इसको याद रखें। यहां पर आपको देखना है कि ये क्या है कि अरस्तु ने इसका अध्ययन किया और बाद में जो व्यवस्थित अध्ययन है वो मार्सेल मॉस और मैलिस मॉलेंड पॉन्टी ने इसका अध्ययन किया है। बाकी जो एक फैक्ट है थोड़ा सा बस ये देख लीजिए कि अरस्तु ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया, और बाद में कई बार ऐसे नाम पूछ लेते हैं टफ क्वेश्चन बनाने के लिए, तो थोड़ा सा याद रखना है। पियरे बोर्डू अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में हैबिटस के बारे में बताते हैं। कहते हैं हैबिटस को बनाने का जो काम करती है वो एजुकेशन व्यवस्था करती है। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? उच्च वर्ग की संस्कृति का पुनरुत्पादन करता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि एक वर्ग की संस्कृति विशिष्ट बनी रहती है। और हैबिटस का मतलब क्या है जो मैं ऊपर पढ़ के आया कि एक विशिष्ट समूह के मूल और उनकी आकांक्षाएं हैं, और ये जीवन की एक पद्धति है। लोग अपने अनुभव के आधार पर अपने हैबिटस को विकसित करते हैं, वे सीख जाते हैं उन्हें क्या करना है, वे यह भी समझ जाते हैं कि इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। इसलिए प्रत्येक समूह के अपने अनुभव और हैबिटस होते हैं। समाज में आप देखेंगे कई प्रकार के हैबिटस होते हैं। एक प्रोफेसर वर्ग का हैबिटस है, एक मजदूर वर्ग का हैबिटस है, दूसरा एडवोकेट का हैबिटस है, आईएएस ऑफिसर का हैबिटस है, यानी ए क्लास का अलग हैबिटस है, बी क्लास का अलग, सी का अलग और डी का अलग। इन सबके अपने हैबिटस हैं। इनकी आदतें इनके हैबिटस के द्वारा निर्धारित होती हैं, इनकी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैबिटस के द्वारा निर्धारित होती हैं, और जो जिस समूह में रहते हैं उस समूह को बनाते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग का हैबिटस होता है, जो कुलीन वर्ग का हैबिटस होता है, उसको बनाए रखने का काम, श्रेष्ठता पे बनाए रखने का काम कौन करता है? उसको रिप्रोडक्शन करने का काम आपकी एजुकेशन सिस्टम करती है। और यदि है पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में, कभी बहुत हैबिटस पे डीप क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि हैबिटस कंसेप्ट का प्रयोग कौन करता है, तो आपको पियरे बोर्डू लगाना है। और किस पुस्तक में किया गया है? तो रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन। हैबिटस का मतलब क्या है? यह एक जीवन पद्धति है, और इसमें किसी विशिष्ट समूह के मूल और आकांक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं। और यदि इसमें और आगे बढ़ता है तो हैबिटस को किस तरीके से पुनरुत्पादन किया जाता है या समाज में बनाए रखा जाता है, तो आपको आंसर लगाना है एजुकेशन व्यवस्था के द्वारा। तो यही हैबिटस है कि हर वर्ग का अपना एक विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट संस्कृति होती है, और उस संस्कृति को व्यक्ति अपनी आदतों के द्वारा बनाए रखते हैं, उसकी आदतों के द्वारा उसको संचालित करते हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है आपको हैबिटस समझ में आ गया होगा कि क्या है। और हैबिटस के बारे में ये और कहते हैं कि कुछ एक निश्चित शारीरिक धारणा, शारीरिक धारणा का मतलब एक फ्रेम से, इनका मतलब है कि आप उससे हटकर व्यवहार नहीं कर सकते, वो एक निश्चित फ्रेम है, उसी के अनुसार आप अपनी आदतें से अभ्यस्त हो जाओगे। इसको एक उदाहरण लीजिए कि आप की एक अभ्यस्त है, आप एक विशिष्ट हैबिटस के हैं, मान के चलो आप सनातन धर्म के फॉलोवर्स हैं, हिंदू धर्म के फॉलोवर्स हैं, या इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, या किसी भी धर्म के फॉलोवर्स। जब आप किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं और किसी इष्ट देव की मूर्ति लगी है, तो आप चाहेंगे भी नहीं फिर भी आप उसको नमन कर लेंगे या उसको सलाम कर लेंगे। आपका कोई बुजुर्ग मिल जाएगा तो आपकी वो आदत में शामिल है, यही आपका अभ्यस्त है, यही यही एक विशिष्ट वर्ग की अपनी एक संस्कृति होती है। जब आप
मोदी जी बाहर जाते हैं तो मोदी जी का एक अपना हैबिटस है, वो प्रधानमंत्री वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वो हाथ मिलाते हैं। तो उनकी सबकी एक विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट अनुभव है और उनके आधार पर वो अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पियरे बोर्दू कह रहे हैं कि साहब एक निश्चित तरीके से किसी शरीर को धारण करके उपयोग करने की प्रवृत्ति, ये भी हैबिटस है, जैसे मुद्रा की प्रवृत्ति। जो मुद्रा है वो आप एक निश्चित है, आपने उसको अभ्यस्त हो गए आप उसके स्वरूप से। अभी नोट बदले, आप कुछ देर के लिए अभ्यस्त नहीं हुए थे किस समय के लिए, लेकिन बाद में आपने नए नोटों को देखा और उनके साथ अभ्यस्त हो गए, आपको आदत हो गई, आप उनको धारण करने लगे और समाज में बेहतर। उच्चारण किसी चीज़ का आप भाई अभ्यस्त हैं कि इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। प्रोफेसर का मतलब होता है टीचर, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति। स्कॉलर का मतलब होता है कि भाई वो किसी क्षेत्र में आप अभ्यस्त हैं उन उच्चारणों से, उन शब्दों से। तो वो कह रहे हैं कि एक निश्चित शरीर होते हैं, एक निश्चित ढांचा होता है जिसमें आप क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। आगे फिर उर्दू कह रहे हैं कि अधिक अमूर्त आदतें, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अमूर्त होती हैं, उन्हें हम धारण कर लेते हैं, वर्गीकरण प्रशंसा और भावना और कार्रवाई की योजना आदि। वो कह रहे हैं कि हैबिटस के रूप में आपकी मानसिक आदतें हैं, आपने धारणाएं बना रखी हैं, उनका वर्गीकरण कर रखा है, प्रशंसा भावना कार्रवाई आदि की योजना जो आप करते हैं आप उन्हीं अपनी अभ्यस्त आदतों के आधार पर करते हैं। आपको आपके कॉन्शियसनेस माइंड में आपके पहले से वो हैं, अनकॉन्शियस माइंड में, आप बस केवल उस पर क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। अब जब आप एजेंसी को पढ़ेंगे तो एजेंसी को पढ़ने के साथ आपको जो इनका हैबिटस का कॉन्सेप्ट है वो आपको कोरिलेट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहीं पर वो कह रहे हैं कि निष्कर्ष के तौर पर हम हैबिटस मनुष्य के जीवन पद्धति से जोड़ सकते हैं और उसके अभिन्न, उसके जीवन पद्धति से जुड़ा है वह अभिन्न होता है, इसमें सामाजिक मूल, सामाजिक समूह के मूल और आकांक्षाएं शामिल होती हैं। तो हमें लगता है हैबिटस का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एजेंसी। एजेंसी क्या है? आपने देखा होगा एक एजेंसी, मान के चलो एक LIC ऑफिस है, LIC का जो ऑफिस है ये एक अपने आप में एजेंसी है। हीरो जो मोटरसाइकिल बनाता है या होंडा जो मोटरसाइकिल बनाता है एजेंसी, वो अपने आप में एक एजेंसी है। इनके जो रूल्स होते हैं, इनके जो रेगुलेशन होते हैं, इनके जो क्रिया करने के जो तरीके होते हैं वो अपने होते हैं, अपने द्वारा वो निर्धारित करते हैं। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं, हम एजेंसी का सीधा हम एंथनी गिडेंस से जोड़ देंगे कि यहाँ पर एंथनी गिडेंस एजेंसी के बारे में कह रहे हैं कि मतलब समाजशास्त्र में जिसका प्रयोग किया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वतंत्र पसंद हो, समाजशास्त्र में व्यक्ति की स्वतंत्र पसंद करने की क्षमता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। और समाज में हर व्यक्ति एक एजेंसी है, क्योंकि व्यक्ति के पास एक तो स्वतंत्र पसंद है कि वो किसको पसंद करे, किसको ना पसंद करे, किसके साथ बैठे, किसके साथ उठे, किसके साथ मिले, एक तो वो एक चेतना वाला व्यक्ति है और उसकी अपनी कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं, कुछ विशिष्टताएं होती हैं। इसलिए एजेंसी शब्द का प्रयोग उनने अभिकरणकर्ता के रूप में किया है, एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस जब अपना स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी देते हैं, अब इसमें देख सकते हैं इसके विपरीत संरचना प्रभाव के कारण ऐसे सामाजिक वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, रीति रिवाज और क्षमता आदि को एजेंट उनके निर्धारकों और सीमित करते हैं। इसको मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आप ये समझिए कि जो एजेंसी है, एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी स्वतंत्र क्षमता हो, जो स्वतंत्र हो, जो जिसमें स्वतंत्र पसंद है, यानी जो निर्णय लेने में अपना, यानी उसे अभिकरण और कर्ता कहते हैं। एंथनी गिडेंस जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंथनी गिडेंस जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बताते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। हमारे कार्यकलाप, हमारे आसपास के सामाजिक विश्व को बनाने के साथ साथ हम उसी सामाजिक विश्व के से निर्धारित भी होते हैं। वो कहते हैं कि समाज में एक संरचना है और संरचना में दो चीजें हैं, एक तो संरचना है, स्ट्रक्चर है, और दूसरा एजेंसी है। ये एजेंसी संरचना में एक नियम भी है और एक रूल्स भी है और रिसोर्स भी है। संरचना के पास नियम भी हैं और साधन भी हैं, लेकिन जो ये एक्टर है, यानी जो एक एजेंसी है, ये संरचना को बनाने का काम करती है, ये संरचना से निर्धारित भी होती है और संरचना का निर्माण और पुनर्निर्माण भी करती है।
सपोज दैट आप उदाहरण ज्यादा टिपिकल हो रहा है, समाज है, समाज एक संरचना है, संरचना के पार्ट हम हैं, हम समाज से नियम भी लेते हैं कि कोई मिले तो हमें कैसे आदर करना है, किसी विवाह में जाना है तो वहां पर कैसा बिहेवियर करना है, डिपार्टमेंट में जाना है तो कैसा बिहेवियर करना है, या किसी अन्य शख्स से मिलना है तो कैसे, तो ये नियम हमें कौन दे रहा है? सोसाइटी दे रही है। और इस सोसाइटी में जो नियम बना रहा है वो कौन बना रहा है? वो व्यक्ति बना रहा है। और साधन कैसे हैं कि जब कोई मिले तो नियम है कि हमें साहब नमस्ते करना है, झुककर सलाम करना है, और कैसे करना है? झुककर करना है, ये आपके साधन है। किसी के चरण स्पर्श करना नियम है, किस तरीके से करना है वो साधन है। ये दोनों साधन कौन उपलब्ध करा रहा है? समाज उपलब्ध करा रहा है। कर कौन रहा है? एजेंसी कर रहा है। लेकिन ये एजेंसी सिर्फ उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर के, ये स्ट्रक्चर को बना भी रहा है, ये उसके नियम साधनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो संरचना की व्याख्या होती थी, इस व्याख्या में व्यक्ति को या तो महत्व दे दिया जाता था या समाज को महत्व दे दिया जाता था। लेकिन एंथनी गिडेंस ने क्या किया, एजेंसी यानी कर्ता अभिकरण के रूप में एक व्यक्ति को देखा कि व्यक्ति क्रिया करता है और यही संरचना को बनाने और पुनर्निर्माण करने का काम करता है। तो उन्होंने संरचनाकरण में व्यक्ति और समाज को जोड़ने का काम किया है, एंथनी गिडेंस क्या करते हैं कि व्यक्ति और समाज को स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में जोड़ते हैं। वो कहते हैं दुर्खीम की तरह नहीं, वो कहते हैं सब कलेक्टिव कॉन्सियसनेस है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो कहते हैं एक व्यक्ति भी इस संरचना को बनाता है और इस संरचना से निर्धारित भी होते हैं, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डुअलिटी नहीं है, संरचना अलग नहीं है, व्यक्ति अलग नहीं है, संरचना और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हमें लगता है अब इतना बता दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं और एंथनी गिडेंस हम लोगों से क्या कहना चाहता हूं। तो इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि समाज अच्छा है या व्यक्ति अच्छा है। एंथनी गिडेंस कहते हैं समाज व्यक्ति दोनों की डिबेट बेकार डिबेट है, इन दोनों को हमें जोड़कर ही देखना चाहिए, यानी व्यक्ति और समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम किसी एक तरफ से देखेंगे तो हम सिक्के का टोटल अवलोकन नहीं कर पाएंगे। यदि हमें समाज को समझना है, समाज के बाकी पक्ष को समझना है, समाज के यथार्थ को समझना है, तो हमें व्यक्ति और समाज दोनों को जोड़कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरेशन की पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर लिख दी है, यही जो मैंने बताया है ओरल वही सब यहाँ पर लिखा है। नियम क्या है, नियम क्या है, संसाधन क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, एजेंसी क्या है, एक्टर क्या है, स्ट्रक्चरेशन क्या है एंड एजेंसी क्या है, तो मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम एजेंसी की कि फैक्ट फिगर के रूप में हम एजेंसी को कैसे देखते हैं। तो एजेंसी के बारे में आप यहाँ से समझ चुके हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी स्वतंत्र पसंद हो और जो निर्णय लेने में सक्षम हो, और लेकिन इसके जो निर्णय लेने में जो सक्षमता का कारण है वो एक उसको जो प्रभावित करते हैं वो वर्ग भी प्रभावित करता है उसको, लिंग, उसकी जाति, उसकी लिंग और रीति रिवाज या क्षमता इत्यादि, यानी जो एक एजेंट के रूप में हो जाता है पर वहाँ पर समाज उसे निर्देशित देता है, लेकिन वो उसके जो निर्णय और स्वतंत्रता की है उसके निर्धारण को क्या करता है, सीमित भी होता है वो समाज की यानी संरचना से व्यक्ति भी सीमित होता है, ठीक है, और वो संरचना को भी सीमित करता है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इन दोनों को अलग करके मत देखो, गिडेंस कहते हैं वो पुल का काम करते हैं व्यक्ति और समाज को जोड़ने। तो यहाँ पर हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें टैक्स है आपको पढ़ लेना है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं आपको समझा सकूं, और समझाने वाला जो पार्ट था मैंने आपको बता दिया है। ये लोग भी एंथनी गिडेंस के अतिरिक्त कुछ और लोग हैं जो एजेंसी की बात करते हैं, जैसे कोगिटो एगो एग ने कहा है कि जो कोई भी सोच सकता है वह एजेंट है, यहाँ पर ये एजेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एजेंसी की जगह, जबकि इमैनुअल कांत ने इसका विस्तार पूर्वक विवरण किया और कहा कि वास्तव में आत्म जागरूकता बनने का एकमात्र उपाय बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना है, यानी खुद को जब आप बाहरी दुनिया के साथ जोड़ दोगे, अपने एजेंट के रूप में खुद को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ दोगे तो वो एजेंसी हो जाएगी। बल्कि मार्टिन हैक्सन जो महोदय हैं, इन्होंने एजेंसी के निर्धारण को, एजेंसी जो है उसको तीन भाग में बांटा है कि एजेंसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकती है, एक व्यक्ति अपनी तरह से कार्य कर सकता है, पॉक्सी के रूप में भी हो सकती है यानी वो नियोक्ता के रूप में भी कार्य कर सकता है,
और सामूहिक रूप से भी हो सकती है, वो समूह के रूप में भी कार्य कर सकता है। जैसे सामाजिक आंदोलन, किसी संस्था में कार्य कर रहा है एक व्यक्ति, नियोक्ता है वो उसे निश्चित कमांड मिली, वो उसी के अनुसार काम करेगा, और एक व्यक्ति वो स्वतंत्र काम करेगा। तो ये सारी एजेंसी हैं। लेकिन फिर ह्यूसन महोदय जो है ये एजेंसी के तीन गुणों की पहचान करते हैं और कहते हैं एजेंसी को जो जन्म देने वाले कारक हैं वो जानबूझ, यानी उसमें समझ होना चाहिए, उसमें शक्ति होना चाहिए और तर्क संगतता होना चाहिए। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि पर्सनहुड क्या है, हैबिटस क्या है और एजेंसी क्या है। एजेंसी कभी अकेला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जब भी एजेंसी आएगा वो एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन के साथ जोड़कर आएगा। और कभी अगर क्वेश्चन बना तो जो मैंने फैक्ट बताए हैं आप वहां से इसको जोड़कर देख सकते हैं, इनकी परिभाषाएं पूछ लेगा, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा मार्टिन हेक्सन का, आप इसको देख लेना, उसको थोड़ा सा याद कर लेना। तो हमें लगता है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। और आपको इस लेक्चर की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी, आप पढ़ें। और अब एग्जाम पास ही आ गया है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द वीडियो बनाऊं, आपको पर डे एक वीडियो लेकर आऊं। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएं आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले, जब से मतलब 100 क्वेश्चन का जो ट्रेंड हुआ है 2019 से और 22 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराने का मैं सोच रहा था, लेकिन टाइम का अभाव रहता है। बाकी आप लोग अपने सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। बाकी आज के लिए इतना ही और नमस्कार।